हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, वो इसलिए क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं स्पंजी रसगुल्ला। मैंने यहाँ पर लिया है 1 किलो दूध। अब हम क्या करेंगे, दूध को मैंने गर्म कर लिया था, उबाल लिया था पहले ही, तो हल्का सा जब ये गर्म होगा हम इसको फाड़ेंगे। तो इसको फाड़ने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया है, लिया है 1 नींबू। तो नींबू का रस हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे ताकि जो दूध है अच्छे से ये फट जाए, और इसको हम अच्छे से मिक्स करके रख देंगे साइड में। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने ली है यहाँ पे चीनी, 1 कटोरी चीनी मैंने यहाँ पर ली है। तो इस चीनी को हम डाल देंगे इसमें क्योंकि हम इससे बनाएंगे चाशनी रसगुल्लों वाली। तो यहाँ पर हमने 1 कटोरी चीनी, तो हम यहाँ पर डालेंगे इसमें पानी। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, 1 कटोरी पानी डाला है। तो आप देख सकते हो गाइस, जो यहाँ पर हमने दूध में डाला था नींबू, वो बहुत अच्छी तरीके से फट चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको छानेंगे। तो यहाँ पर एक बाउल लेंगे, बाउल में लगाएंगे हम हल्का सा सूती कपड़ा जिसमें अच्छे छन जाए, और सारा का सारा फटा हुआ दूध हम डाल देंगे इसमें। तो यस, मैं सारा दूध इसमें डाल देती हूँ और ये बहुत ही अच्छी तरीके से फट चुका है गाइस। अब हमें क्या करना है, हमें ना इसमें छानना है और इसको कम से कम 3 से 4 बार धुलना है, मतलब अच्छे छान छान के। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 3 से 4 बार इसमें पानी डालेंगे और इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तो मैं इसको छान लेती हूँ अच्छे से। आप देख सकते हो गाइस, जो ये पानी है ये पूरा निकल जाएगा इसमें से। तो इसी तरीके से आपको 3 से 4 बार इसको अच्छे से छान लेना है। तो यस, आपको इसको हल्की हल्की हाथों से ऐसे दबाना है ताकि जो पानी है सारा इसमें से निकल जाए। और आप देखिएगा, जब ये पूरी तरीके से पानी निकल जाएगा तो जो हमने दूध फाड़ा है ये हल्का हल्का सा ड्राई हो जाएगा। तो मैं इसको धुल लेती हूँ दोबारा से। तो इसी तरीके से आपको 2-3 बार इसको धुल लेना है। तो यहाँ पर मैंने सारा दूध को धुल कर रख लिया है। तो आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से फट चुका है गाइस, जो आज के हम रसगुल्ले बनाने वाले हैं, स्पंजी रसगुल्ले, बिल्कुल हलवाई वाले स्टाइल में बनाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसमें लगाएंगे अच्छे से, इसको मैश करेंगे, मतलब कि पूरा इसको मसल लेंगे ताकि इसमें गांठें ना बने और जो हमारे स्पंजी रसगुल्ले बनेंगे बहुत ही अच्छे बने। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, चाशनी हम उसको उबाल लेंगे अच्छे से। अब तो यहाँ पर हमने देखो क्या किया गाइस, इसमें हमने कुछ नहीं मिक्स किया है, इसको हम बस ऐसे मुक्के लगा के हल्का हल्का इसको ऐसे गूँथ लेंगे। तो मैं इसको ऐसे राउंड राउंड शेप में बना रही हूँ ताकि मैं इसकी छोटी छोटी लोई बना के अच्छे से बना पाऊँ रसगुल्ले। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस तरीके से सारी एक एक लोई बनानी है इक्वल साइज़ की, और इसको गोल गोल आकार बनाना है, लेकिन हल्के हाथों से दबाओ, बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो इसी तरीके से आपको सारे रसगुल्ले बना के रख लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे रसगुल्ले बना के रख लिए हैं 1 प्लेट में। अब हम क्या करेंगे, इसको डालेंगे चाशनी में। तो यहाँ पर जो हमारी चाशनी का पानी है, मैंने इसमें 2 इलायची भी डाली थी अच्छी खुशबू के लिए। तो यहाँ पर हम एक एक करके सारे रसगुल्ले इसमें डाल देंगे। जो गैस की फ्लेम है गाइस, आपको लो ही रखनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रसगुल्ले हैं हमारे एकदम उबलने शुरू हो चुके हैं। तो यस, सारे रसगुल्ले मैं इसमें डाल देती हूँ। रसगुल्ले डालने के बाद आपको कम से कम इसको 5 से 6 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है ढक के। तो जब आप 5 से 6 मिनट बाद देखेंगे तो जो हमारा रसगुल्ले का पानी है, चाशनी है मतलब, वो ऐसी हो जाएगी, उबल जाएगी, और जो रसगुल्लों में जो चाशनी है पूरी तरीके से दबिल जाएगी। तो यहाँ पर गाइस, जो रसगुल्ले है पूरी तरीके से चाशनी में डूब चुके हैं। तो जब आप गैस को बंद कर देंगे तो इसका कुछ लुक ऐसा आएगा। अब हम इसको ढक के रख देंगे। तो गाइस, 5 से 6 घंटे ढकने के बाद जब आप अपने रसगुल्ले को चेक करेंगे तो आपका जो रसगुल्ले का लुक है कुछ इस तरीके से आएगा। तो लग रही है ना एकदम हलवाई वाले स्टाइल में। तो होप गाइस, ये बहुत ही इजी टू कुक रेसिपी है, बहुत आसान होती है बनाने में। आपको दिखाती हूँ एक बार, ये कितना स्पंजी है, देखो कितने अच्छे तरीके से इसमें से रस निकल रहा है। तो होप गाइस, आपको रेसिपी अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, मैंने जब इसको बनाया था ना, मैंने इसको बना के मतलब चाशनी में डुबो के रख दिया था 4 से 5 घंटे के लिए। तो आपको खास कर ध्यान रखना है। मैं मिलती हूँ आपको अगली रेसिपी के साथ।